हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? अभी सुबह के 8:15 हुए हैं और आज है मंगलवार। हार्दिक उठ गया था और उठते ही वो ड्राइंग करने में लग गया। थोड़ा बहुत पढ़ाई की, उसके बाद वो अपना फेवरेट वाला ड्राइंग कर रहा है। ड्राइंग उसको बहुत ही पसंद है तो वो वही कर रहा है। वो अभी एक बिल्ली बना रहा है, देखिए कैट तो अपने हिसाब से बना रहा है और शेप आ भी रहा है। और अभी बारिश में थोड़ा बहुत बाहर में थोड़ा बहुत बारिश हो रही है और मैं यहाँ पे बना रही हूँ हार्दिक के लिए नाश्ता। हबी खा पी के चले गए हैं तो हार्दिक और मेरे लिए मैं बना रही हूँ। ये देखिए थोड़ा बहुत बूंदाबांदी चल रही है बाहर में। रात भर में पूरी बारिश बारिश थी और अभी भी बारिश होगी ऐसा लग रहा है। हाँ, तो ये देखिए हार्दिक का नाश्ता रेडी हो गया है। सूखी रोटी, आलू की भुजिया और साथ में ऑमलेट। हार्दिक का फेवरेट नाश्ता है ये। मैं उसको खिला लेती हूँ फिर आप लोगों से मिलती हूँ। ये देखिए बेड वगैरह मैं क्लीन अभी तक नहीं की हूँ, बाद में करूँगी। ये हार्दिक का नाश्ता रखा है, उसको मैं खिला लूँगी फिर करूँगी काम। और ये देखिए गाइस, बारिश स्टार्ट हो गई है। मतलब अभी यहाँ पे ऐसा है ना, बारिश अगर हो तो एकदम से 1 वीक 2 वीक एकदम से होता ही रहता है। ये नहीं कि आज हुआ, कल नहीं हुआ, परसों नहीं हुआ, फिर उसके बाद हुआ, ऐसा नहीं। मतलब यहाँ पे अगर बारिश हो ना तो कंटिन्यूसली होती रहती है। अभी बारिश हुए यहाँ पे 4 दिन हो गए होंगे। तो ये देखिए, जो हमारे पास में रहती है सिस्टर्स, वो लोग कॉलेज जा रही है और मैं उन लोगों से बात कर रही हूँ कि कैसे जाओगी। और एक चाहता और दो जा रही है और बारिश भी बहुत ज़्यादा ही हो रही है यहाँ पे देखिए। तो चलिए, अच्छा ही लगता है बारिश। तो बारिश तो अपना काम करती रहेगी बट मुझे भी तो अपना काम करना है ना। तो हार्दिक अभी मोबाइल देख रहा है, उसको मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह करा दिया था, वो अभी मोबाइल देख रहा है। और फिर मुझे ये सब, तो बेड मैंने क्लीन अभी तक किया ही नहीं। तो चलिए फटाफट फटाफट से बेड वगैरह क्लीन कर लेते हैं, फिर और भी काम है। मतलब बाहर में बारिश हो रही है, क्या हुआ? लेकिन मेरा काम थोड़े ना रुकने वाला है, काम तो चलता ही रहेगा। अंदर का काम, हार्दिक को और पढ़ाना भी है, फिर लंच की भी तैयारी करनी है। घर नींद आ रही है मुझे, घर झाड़ू पोछा ये सब करना है, तो बहुत ज़्यादा काम है। तो पहले बेड को क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि बेड अगर क्लीन ना रहे तो घर क्लीन क्लीन नहीं लगता है ना। पहले बेड को समेट लेते हैं फिर बाकी काम पे लग जाते हैं। तो हम अभी भी बारिश बाहर में चल रही है और रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। वैसे भी कोई मुझे बारिश होती रहे तब भी मुझे अच्छा ही लगेगा, क्योंकि मुझे अभी कोई कपड़े वगैरह धोने भी नहीं है और हार्दिक का स्कूल वगैरह भी नहीं है। अगर हार्दिक का स्कूल वगैरह रहे और कपड़े वगैरह धोने को रहे या गीले गीले रहे तब प्रॉब्लम लगती है कि अरे बारिश रुक जाती तो अच्छा रहता, बट ऐसा कुछ नहीं है। कोई कपड़ा भी नहीं है बाहर मेरा गीला हुआ और हार्दिक का स्कूल भी नहीं, लेकिन कल है स्कूल, बुधवार को कल एग्ज़ाम है उसका। तो चलिए फटाफट फटाफट से ये कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करती हूँ मैं। हाँ, ये बताती हूँ, आज मेरे घर में एक सीज आई है, हाँ, जो बहुत दिनों के बाद आई है। मैं ये चीज़ मोस्टली नहीं खाती हूँ बट ये अलग टाइप का है इसलिए इसको मैं खाती हूँ। इसको खाने में मुझे डर नहीं लगता। तो क्या है आप लोग को दिखाती हूँ। तो ये देखिए गाइस, ये है छोटा वाला फिश जो मैं बिना डरे खाती हूँ। जैसे आप लोग को पता है मुझे बड़ा वाला फिश खाने में डर लगता है, मैं उसको नहीं खा पाती हूँ। ये छोटे छोटे वाला फिश, ये अभी ऑफिस जब गए थे तब वो देखे गए थे, तो ये छोटे छोटे वाला फिश मैं खा पाती हूँ, वो भी बिना डरे एकदम से खा पाती हूँ। क्योंकि पता है इसके बोन्स बड़े नहीं हैं और जो छोटे छोटे बोन्स होते हैं ना वो खाते टाइम गले में लगते नहीं है, फ्राई करते टाइम एकदम कुरकुरा हो जाता है ना, तो उतनी प्रॉब्लम नहीं है। और हबी तो
जब भी मिलता है ऐसे टाइप का फिश तो मेरे लिए लाते ही लाते हैं, क्योंकि उनको पता है एकदम कंफर्टेबली मैं इसको खा पाती हूँ, क्योंकि मुझे बड़े वाला जो बड़ा काटा रहता है वो वाला फिश मैं नहीं खा पाती हूँ, और खाती भी हूँ तो थोड़ा सा खाती हूँ, एकदम थोड़ा सा। तो आज खाएंगे, बनाएंगे, आप लोगों को भी दिखाएंगे कैसे बनाते हैं। तो कुछ फिर इसमें रख देते हैं। हाँ, तो मैं फिश को फ्राई कर रही हूँ, मतलब इतना कुरकुरा हो जाता है ना उससे बोन्स वगैरह रहते ही नहीं, और बोन्स को भी आप खा सकते हो, इतने कुरकुरे फिर मेरे बन जाते हैं ना। तो मैं इसको थोड़ा फ्राई करके भी रखूँगी और थोड़ा ग्रेवी में भी डालूंगी। ये देखिए मेरे खिले खिले राइस रेडी हो गए। ग्रेवी के लिए मैं आलू के साथ ही ग्रेवी बनाऊंगी। हाँ, टमाटर आज मिसिंग है, टमाटर होता तो और भी अच्छा लगता। आलू को मैंने फ्राई कर ले रही हूँ पहले, उसके बाद ये देखिए मेरी फिश करी रेडी हो गई है, छोटे फिश वाली करी। ये ना करी हार्दिक भी खा सकता है, क्योंकि हार्दिक के गले में भी ऐसा वाला बोन नहीं लगेगा, तो हार्दिक भी खा सकता है, इसीलिए मैंने हम दोनों के लिए ही ये बनाया है। थोड़ा सा हम दोनों का खाना रेडी हो गया है, और फिर मुझे खाना पीना मेरा हो गया। फिर मुझे किचन पे कल अभी सामान लाए थे, मतलब ग्रोसरी वगैरह जो पता नहीं कितना दिन जाता है, मैं हिसाब करती नहीं हूँ ये सामान कितने दिन जाता है, क्योंकि चीज़ों को लेकर डिपेंड करता है ना, जैसे आटा हमारा लगता रहता है तो जल्दी ख़त्म होता है, चीनी वगैरह कम लगता है तो थोड़ा धीरे धीरे ख़त्म होता है, ऐसे तेल वगैरह लगता रहता है तो तेल, ये देखिए इतना सारा सामान मैं इसलिए निकाल रही हूँ कि मुझे इसको अभी एकदम से अच्छे से मतलब क्लीन करना है, फिर उसके अपनी अपनी जगह पे रखना है। अभी इस टाइम पे ना बिजली चली गई थी, मैं बैक कैमरा से शूट कर रही हूँ और फ्लैश लाइट भी जला हुआ है, मतलब मौसम ख़राब है ना, इतना मतलब आसमान एकदम से बहुत मतलब ज़ोर से गरजा और उसके बाद ना बिजली चली गई, मतलब इतना डर गई थी ना मैं फटाफट फटाफट से फ्रिज वगैरह टीवी वगैरह सारा कुछ ऑफ कर दी थी। तो मैं बैक कैमरा से अभी कर रही हूँ शूट, और इसको मैं पहले एकदम से साफ़ कर लूँगी एक कपड़े से सारे मतलब पैकेट को, अभी तो कम ही साफ़ करती हूँ। लॉकडाउन के टाइम ना जितने भी सामान आते थे पूरा प्रॉपर तरीके से सोप लगा के बाहर में क्लीन करती थी, धूप में सुखाती थी, ऐसा करती थी, बट वो आदत अच्छी थी, बट वो आदत अभी गई नहीं, थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ है। अभी पैकेट को मतलब सोप लगा के तो नहीं, ऐसे ही कपड़े से पोंछ देती हूँ, और मेरा सामान वगैरह सब कुछ अपनी जगह पर सेट हो गया। ये देखिए बारिश फिर से शुरू हो गई एकदम झमाझम झमाझम से, यहाँ अभी के थोड़े बहुत कपड़े थे मैं उसको अंदर ला रही थी। तो गाइस ये देखिए बारिश हमारे यहाँ पे स्टार्ट हो गई है, अभी मेरा काम बन कर ख़त्म हो गया। होप कि आप सभी लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगे। प्लीज़ गाइस थैंक यू।